हम लोग और मैं हूं नगमा। बिहार में कुछ दिनों पहले एनडीए की एकता दिखाने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें साथ में डिनर भी था। और इस बैठक पर सबकी नजर थी, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग की जो बातचीत होनी है, उसके पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। लेकिन इसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आया, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे नदारद थे, कोई एकता की बात नहीं हुई, किसी भी तरह की यूनिटी का कोई भाषण नहीं हुआ। और एनडीए के जो चारों दल हैं बिहार में, यानी एलजेपी, बीजेपी, आरएलएसपी, जेडीयू, जिसे यहां होना था, उसमें से आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा यहां नहीं आए, और ना आकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। और साथ ही ये कयास भी लगने लगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की सियासत में जो हलचल है, उससे कुछ बड़े सवाल उठते हैं। एक तो सवाल यह है कि जिस बैठक का मकसद था नेताओं और सहयोगियों की ताकत दिखाना, वो बैठक जो है सिर्फ डिनर तक सिमट कर रह गई। तो सवाल है कि क्या एनडीए में फूट पड़ चुकी है। इन डिनर पर नजर इसलिए भी थी क्योंकि जेडीयू जो है वो लोकसभा चुनाव में बड़ा रोल चाहती है। नीतीश ने कुछ केंद्रीय स्कीम पर सवाल उठाए हैं, बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है, और वो ज्यादा सीटें चाह रहे हैं पुराने फॉर्मूले के हिसाब से। दूसरा सवाल ये भी है कि सीट बंटवारे के पहले जो ये बातचीत हुई थी, ये बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि टकराव इस बात पर भी है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं 2020 में, तो ये भी सवाल है कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार ये साबित करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं इसे दिखाने में कि वो बिहार के बॉस अभी भी वही हैं। जेडीयू और बीजेपी में भी इस बात पर टकराव है कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का आगे रोल क्या होगा, बीजेपी से उनके रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, इन तमाम पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहां पर जो मेहमान मौजूद हैं, उसमें वैभव अग्रवाल हैं बीजेपी से, नवीन उपाध्याय पॉलिटिकल एडिटर हैं द पायनियर के, सैयद अफजल अब्बास हैं जो लीडर हैं जेडीयू से, अली अनवर अंसारी हैं पूर्व जेडीयू के सदस्य, सुबोध कुमार लीडर आरएलएसपी, और शिवराज सिंह जो यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हैं लेकिन पहले आरएलएसपी में रह चुके हैं। मनोज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी से, माफ कीजिएगा, स्टूडियो में नहीं है मनोज झा, ओबी पे हैं हमारे साथ। शिवराज, जो यहाँ पर बैठक हुई है, जिसकी कोशिश ये थी कि आप एकता दिखाएं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आया। कुशवाहा वहां पहुंचे नहीं, और उसके पहले ही बात यह भी होने लगी कि तीसरा चेहरा भी है उपेंद्र कुशवाहा का, 2020 की अगर आप बात करें तो, और वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो फूट पड़ चुकी है, कुशवाहा एक कंफर्टेबल पोजिशन में है, वो बार्गेन करेंगे अब सभी पार्टियों से, इसके क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? देखिए, रात कुछ दिनों पहले जो डिनर ऑर्गेनाइज हुई थी, मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी से बात किया और मैंने उनको सलाह दिया कि आप इस डिनर में अगर जाएं तो इस बात का विरोध करिएगा कि बड़े भाई के रूप में आप नीतीश कुमार जी को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें यू आर नॉट, आप इसकी ये करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि जनमत जो है पिछले लोकसभा का वो ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आप बड़े लीडर हैं, तीन लोकसभा सीटों पर हैं और तीन में से तीन जीते, यानी 100% रिजल्ट इनका है। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप नीतीश जी को मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिसने 5% जिसका रिजल्ट आया सक्सेस रेट 40 में से दो, उसको आप बड़ा भाई मान रहे हैं, ये जनमत के विरोध में होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो, आप सुनिश्चित करें, नहीं तो आप सदा के लिए हासिए पे चले जाएंगे। ये तो मेरा सलाह था। आपके इस एडवाइस को माना उन्होंने, अली अनवर अंसारी, वो कैसे मानेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो बड़े भाई हैं, या कोई और भी क्यों माने? सलाह उनके लिए ये है कि वहां जाने के कई खतरे हैं, बिहार का जो जनमानस है। कहाँ जाने के खतरे? नीतीश के साथ? हाँ, एनडीए में रहने के, एनडीए में रहने के खतरे हैं। हाँ, वो नाव डूबने वाली है ना, कोई बढ़िया काम एनडीए का, मोदी जी की सरकार का, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, देश की सीमाओं की रक्षा का सवाल हो, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, आप लोगों ने भी शिद्दत से इस बात को उठाया है मीडिया में, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के और एक जनता में जो आक्रोश है, आपने देखा रिजल्ट भी आया है चुनाव, ठीक है, मैं आऊंगी उस बड़े सवाल पे, पर उसके पहले सैयद अफजल अब्बास, ये जो आक्रोश की बात कर रहे हैं अली अनवर अंसारी, क्या वो आक्रोश एनडीए के खिलाफ है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ है? नीतीश कुमार की अपनी लोकप्रियता घटी है, और जो क्लीन इमेज एक उनकी थी, एक वो तो थी, और कहा जाता था कि उनके पास वोट बैंक हो ना हो, वो चेहरा जो उनका है उससे वो वोट मिल जाता है, पर जो बायपोल्स हुए और उसमें जो हार हुई उसके बाद ये भी बात गलत साबित हो गई। देखिए नगमा जी, 2005 से लेके 2005 तक के इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। 2005 से लेके
2014-15 तक नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के चेहरा भी रहे और गठबंधन के भी चेहरा रहे, महागठबंधन के लिए। जहां तक हम पे इल्जाम आप एक तरह से कहा जा रहा है कि 2 सीट और 3 सीट की बात है, आप वोट शेयर उठा के, मैं अकेला पार्लियामेंट लड़े थे, अली अनवर साहब उस पार्टी में मारे थे, जनता दल यूनाइटेड में थे और इन्हें जम के प्रचार किया, 16-15.8% हम वोट लाए अकेले, किसी का साथ नहीं था। आप ये अगर 3-3 सीट लेके आ रहे हैं, 3-3 की बात कर रहे हैं, तो आप बीजेपी अलायंस था, एनडीए का वोट था उस वक्त, बीजेपी थी, आरएलएसपी थी, रामलाल पासवान थे, सबका मिल के आपको 3% वोट मिला। हम अकेले चुनाव लड़े बिहार में पार्लियामेंट, 15.8% वोट लाए, तो नीतीश कुमार के चेहरे के मुकाबले में बिहार में कोई नहीं है। आरएलएसपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं, आप मानते हैं कि कुशवाहा का चेहरा है अभी नीतीश कुमार के बराबर, हो सकता है आप 100% आपका रिजल्ट है और इस तरह की सुगबुगाहट है कि और चेहरे भी हो सकते हैं, आप मानते हैं कि कोई और चेहरा उनके मुकाबले में नहीं है बिहार में? नीतीश कुमार जी का जनाधार जो है लगातार सिकुड़ रहा है, चाहे आप हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है नागमणि जी, वो 2010 में नीतीश कुमार को छोड़कर निकलते हैं, फिर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, वो 2013 में निकलते हैं, फिर उसके बाद मांझी जी निकलते हैं, फिर शरद यादव जी निकलते हैं, तो जनाधार उनकी लगातार कम होती जा रही है और जनता और नीतीश कुमार के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है जी। ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पाला बदला था उससे उनकी ट्रस्ट डेफिसिट ये जाहिर होती है। मनोज झा को शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये बात बार बार उठ रही है, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि बीजेपी को अगर कोई चुनाव में बिहार में अभी भी चुनौती दे सकता है तो वो लालूइज्म है, लालूवाद है। आरजेडी जो है वो इस वक्त कितनी मजबूत दिख रही है? नीतीश कुमार क्या अकेले बड़े शख्सियत के तौर पर बिहार में नजर आ रहे हैं? उनको टक्कर देने के लिए आप लोग कितने सक्षम हैं? नगमन जी, एक बात स्पष्ट करूं, शुरुआत करूंगा कि हमें इसका भी कोई हक नहीं कि शरीके बज़्म खुलूस हो, ना हमारे पास नकाब है ना आस्तीन में छुपा हुआ, तो आस्तीन में कुछ छुपा कर नहीं रखते हैं। नीतीश जी हमारे साथ थे, ना जाने आस्तीन में क्या क्या था, लेकिन जो अली अनवर भाई कह रहे थे उस बात में बहुत दम है। देखिए, हम जनता को समझते हैं कि उनकी अपनी एजेंसी, उनकी स्वायत्तता नहीं है। जनता को पहली बार एहसास हुआ कि 2015 का जो मैंडेट था ना, उसका एक चरित्र था, हमारे मैंडेट का भी एक चरित्र था। आपने उस चरित्र का अपहरण कर लिया। आज जो आप छवियां देख रही हैं बिहार में, वो उसी का नतीजा है। बहुत चेहरे की बात हो रही थी, चिराग पासवान जी ने खुद कह दिया कि चेहरा कौन सा नीतीश जी का, हमारे पिता का भी चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी चेहरा, ये आवाम बनाम भाजपा और संघ है, और उसके पीछे एक पूरी इतिहास है, उसमें हमारा सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं नहीं मानता। रोहित बेमूला 17 जनवरी को जब खुदकुशी करता है 2016 में, ये कहानी वहां से शुरू होती है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको लग रहा है कि पहली बार, कांग्रेस से भी शिकायत होती थी लेकिन पहली बार उनको लग रहा है कि द गवर्नमेंट डज नॉट बिलोंग टू अस, वी डोंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये अगर किसी सरकार के बारे में रवैया हो जाए तो आप लाख चेहरे की बात करें, सीट ऊपर नीचे करें, टेक्टोनिक शिफ्ट, टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है पॉलिटिक्स में। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है। शिवराज, आप इसका काउंटर करना चाहेंगे? रोहित वेमुला की दुखद मौत हुई, उसका बीजेपी से या बीजेपी गवर्नमेंट से क्या विरोधाभास था? उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके तरफ से पॉलिटिसाइज करने के लिए विषय को कांग्रेस और तमाम दल ये कर रहे हैं, लेकिन मनोज झा बात ये कह रहे हैं कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है, वहां से एक अवाम का मूवमेंट एक तरह से शुरू हो गया है, और यहाँ पर वैभव वो कह रहे हैं कि अवाम बनाम भाजपा है, तो अवाम बनाम भाजपा है एक, तो दूसरे इसका मतलब कि एनडीए में भी वहां पे टूट बिहार में लग रही है, अगर कुशवाहा कि जहां से कैंप से आवाज आती है कि वो भी एक चेहरा है, तो वह टूट और सब कुछ ठीक नहीं है, तो उनकी नाराजगी किससे है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का जो चरित्र है वो एक उस परिवार की तरह है जहां पे सब अपने अपने, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह है जहां पे सब अपने अपने मालों पे रहते हैं लेकिन चूल्हा एक ही है। नहीं, पर चूल्हा तो, अभी भी एक तो, है चूल्हा तो चूल्हा एक ही है। अगर वो नहीं, अगर उपेंद्र कुशवाहा इसमें नहीं आते हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि आवाज वो आएगी आएगी, अलग अलग महले पर लोग रह रहे हैं और एक ही चूल्हा जल रहा है, बिहार में ही आपको दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ वहाँ पे फूट पड़ चुकी है। देखिए, बिहार स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें जी तो बहुत स्पष्ट है, अभी जो ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं पोस्ट डिनर, ये डिफरेंसेस प्री डिनर भी थे। जेडीयू को रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में क्यों नहीं मिला, जबकि एक समय जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था
और एवरीबडी नोज, ऑल जर्नलिस्ट नोज, हम लोग टच में थे एंड वी नो द नेम ऑल्सो, कि जिसको जेडीयू के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैबिनेट में आएंगे, क्यों नहीं आज तक? अगर शिवसेना पार्ट है सेंटर में गवर्नमेंट का और अकाली दल को, तो जेडीयू को क्यों इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया? क्या ये अलायंस धर्म का पालन हो रहा है? नहीं हुआ है। उसी तरह अगर ये पहले की बात कर रहे हैं और अगर रिसेंट की बात कीजिएगा, तो अभी भी स्पष्ट है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और बादल से मुलाकात की, क्या वो नीतीश से भी मिलेंगे? मैं इस पर एक वो बात अभी नहीं मिले हैं, अभी नहीं मिले हैं, क्या मिलेंगे ये सवाल मिल रहे हैं, लेकिन मैसेजिंग होता है वो क्लियर है कि समवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग नीतीश कुमार इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज ही वाज। सो एग्जैक्टली उसका कारण बता देता हूं मैं, उसका कारण बता देता हूं मैं। उपेंद्र जी को और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये अपील किया है कि नीतीश कुमार जी की कितनी क्षमता है, इस बात का डिसीजन इससे होना चाहिए कि उनके पैर कितने जमीन पर, उनका चेहरा कैसा, इसलिए नहीं। और उसके सिर्फ दो आधार होने चाहिए। 1995 में जब पहली बार नीतीश जी चुनाव लड़े तो 7 एमएलए की सीट आई, और 2015 में जब वो अकेले 14 में अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीट आई, यानी लगभग उनकी ताकत बराबर है। बीच में जो उनकी ताकत थी वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, पॉलिटिकल डीलर के तौर पर, मतलब वो डील या बीजेपी से हो, डील या आरजेडी से हो, उनकी इंडिपेंडेंट क्षमता बिहार में अब तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की अपनी क्षमता क्या है? क्या वो अकेले चुनाव जीत पाएंगे? बीजेपी के साथ उनका रहना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह है? और नीतीश कुमार पर अगर भरोसा नहीं किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, में वापस लौटेंगे इस बात पर। आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सियासत की। बिहार में एनडीए में क्या फूट पड़ चुकी है और नीतीश कुमार का बिहार के सियासत में आगे क्या रोल होगा, बीजेपी के साथ उनके रिश्ते क्या होंगे? नवीन, आप जवाब देना चाह रहे थे शिवराज सिंह की बात का कि नीतीश कुमार की, जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके साथ में शायद फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको किसी भी तरह के फैसले में शामिल नहीं किया जा रहा है, नजरअंदाज किया गया, बीजेपी ने एलाइज को नजरअंदाज किया और अब कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने का। नीतीश से भी मुलाकात शायद अमित शाह करेंगे, ऐसी भी सुगबुगाहट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसका जवाब देना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार में अपनी क्षमता क्या है, उनकी सीटें कितनी बढ़ी हैं? अगर वो चुनाव जीत रहे थे तो किसी न किसी के साथ डील करके वो चुनाव जीत रहे थे, अकेले नहीं। देखिए, आप नीतीश कुमार को बहुत पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यू टर्न लिया चाहे, लेकिन अगर आप देखिएगा तो पिछला इलेक्शन केवल उठाकर देखिएगा, बिहार का असेंबली इलेक्शन, तो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से एक अनटचेबल हो गए थे बिहार की राजनीति में, और दोनों जब एक साथ आए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, तो कहीं ना कहीं नीतीश का वो चेहरा वो हेल्प किया इस अलायंस को जी। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार को पॉलिटिकली यू कैन क्रिटिसाइज हिम, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली आई थिंक वो बहुत सारे काम किए हैं जो बिहार को ठीक, बिहार की स्थिति को ठीक करने के लिए, ही एंजॉयज ए गुड रेपुटेशन। सुबोध, इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, क्या वो उनका अभी भी वैसी ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर की छवि है? क्या उनकी रेपुटेशन अभी भी वैसी ही है नीतीश कुमार की? देखिए, जैसे पहले मैं बताऊं, ये पूरा स्टार्ट ही इससे हुआ कि जब डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई और उसमें लीडरशिप यूनिलैटरल डिसीजन हो गया सुशील कुमार मोदी जी का और जेडीयू की तरफ से कि हमारा अगला जो लीडर का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार जी होंगे। उसके बाद हम लोगों के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। इसके पीछे एक जनमानस की आवाज़ है, ना कि नागमणि जी की आवाज़ है, इसके पीछे कारण है। जैसा अभी नवीन जी कह रहे थे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी, गवर्नेंस की कैपेसिटी काम करने की बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में आप देखते हैं तो जो उनका मोटिवेशन फॉर वेलफेयर था वो बदल कर ऑफिस सीकिंग मॉडल हो गया है। ऑफिस में बने रहने के लिए वो अपना मोटिवेशन और वेलफेयर छोड़कर ऑफिस में बने रहने के लिए ये उस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वेलफेयर मोटिवेशन से खत्म होके वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, आप इस पर जवाब देंगे। देखिए, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, चूंकि हम देख रहे हैं डिनर पार्टी में अलग हुए और ये मैसेज देना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार के मुकाबले में कोई है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। बिहार के सरजमीन से हम भी आते हैं, लगभग जितने भी बैठे हुए एक आध कुछ छोड़ के शायद उनके बारे में जानते, सब बिहार के सरजमीन से है। और बिहार में नीतीश कुमार ने जो उठा के 2005 से लेकर 2015 तक के बीच में, या अभी 17-18 तक के बीच में जो बिहार को जो मंजिल दी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके NDTV एक नेशनल चैनल के माध्यम से
कि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं जो तकर्क दिखा दे। कहीं ना कहीं आवाम से यह आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार में वो करिश्मा नहीं रहा। बाकी जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का था मनोज झा, पर याद करना चाहते हैं, एक सेकंड सर, उनको मौका नहीं मिल रहा है। मनोज आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर, वापस आऊंगी आप पर। मनोज नगमा जी क्विकली, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे ओपिनियन पे कुछ लोगों ने रिएक्ट किया। पहली बात तो हम जब पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बिहार में जो बीते दो ढाई महीनों में बाईपोल्स हुए हैं उसमें सिर्फ हमारी जीत मत देखिए, विनिंग स्केल देखिए और ये देखिए कि कौन से सामाजिक आधार जुड़ रहे हैं। तो वो परेशानी का सबब है भाजपा और जदयू के लिए। दूसरी चीज, वैभव जी ने कहा कि हम जाति और मजहब की राजनीति नहीं करते। वैभव जी सलाम, आपको कैसी बात करते हो साहब। कैथोलिक बिशप ने दो खत लिख दिए कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया होना चाहिए, उस पर हायतौबा मचा। और कल जामा मस्जिद के शाही इमाम के सामने जाके विजय गोयल जी दंडवत कर रहे थे, उस पर वहां कोई पॉलिटिक्स और रिलीजन की मिक्सिंग की बात नहीं हो रही है। बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी ने मैंडेट का अपहरण किया। और आखिरी टिप्पणी, रोहित बेमूला के केस में क्या हुआ शिवराज जी, याद करिएगा, मौत के बाद भी उसको ओबीसी बताने की कोशिश हो रही है। उसने कहा कि उनकी जाति पर नहीं जाना चाहता, दुर्घटना है उनकी जाति पर नहीं जाना चाहता। रोहित बेमूला घातक दुर्घटना वाले वो एक साथ आ रहे हैं। जाति के ऊपर नहीं उठ पाते हैं, घूम फिर के आ गए जाति के आधार पे। देखिए जो जो एक देश और एक सरकार का जो कॉन्सेप्ट है मोदी जी की सरकार में इस समय, और जो 20 से 22 प्रदेशों में अभी सरकार बन रही है भाजपा की और एनडीए की, मेरे ख्याल से ये इसको कहते हैं आवाम की आवाज। आरजेडी जीती है उसे एक बात वैभव, ये कम से कम उनमें एक ये बात सामने आई थी कि तेजस्वी जो है वो अच्छी तरह पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो पार्टी मजबूत है, उसका आधार जो है वो बरकरार है, ये बात देखिए साबित होती है। एक मिनट, और जेडीयू को ये झटका जरूर लगा था दोनों सीट से, में शायद मैं याद है 9-10 में 18 बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें 13 हम हारे थे, और उसके बाद फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो 22 में आरजेडी सिमट गया था, वो इतिहास भूल गए। मनोज एक सेकंड आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे, देखिए क्योंकि जो दो बड़ी पार्टियां अभी भी बात बार बार तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि आप ही टक्कर दे सकते हैं नीतीश कुमार को, या बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है वहां पे, तो वो आरजेडी है। मनोज जी मेरे से बड़े हैं, लेकिन मनोज जी ने कहा ध्यान रखनी पड़ेगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हम बाईपोल यदि हारे हैं तो उसको हमारी कमजोरी ना समझें, हम बाईपोल यदि हारे हैं तो आप ये समझें कि हमें ग्राउंड की रियलिटी आज की तुम्हें पता चल रही है। मनोज आप इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे आरजेडी खुद कितनी मजबूत है, क्योंकि देखिए कल से परसों से ये आपके महाभारत वहां खुद शुरू हो गई है, जब तेज प्रताप ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में। दूसरे प्रश्न पर मैं दूसरे हिस्से में आऊंगा। पहला प्रश्न जो उठाया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो मोदी जी और अमित शाह जी की भाजपा को सलाम करता हूँ कि जहाँ जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं और जहां हारते हैं वहां जरूर बनाते हैं। अगर दो विधायकों पर भी ये सरकार बनाए तो ये मैं समझता हूँ ये मोदी जी अमित शाह स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट है, मैं इनके सामने प्रणाम करता हूं। दूसरी चीज, कल तेज प्रताप जी के ट्वीट्स की पूरी श्रृंखला पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना कि मेटाफर, द्वारिका के मेटाफर में हमारे कई एंकर, कई हमारे विरोधी उस मेटाफर में एसेंस नहीं पकड़ पाए। वो कह रहे थे कि सबाल्टर्न पॉलिटिक्स में हमारी जिम्मेवारी है, जो सबलीकरण की राजनीति है उसमें हमें आगाह होना पड़ेगा उन तत्वों से जो प्लांट किए जा सकते हैं। पर मनोज जी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी के नेता मेरा फोन नहीं उठाते हैं और ये बहुत दिनों से चल रहा है, और ऐसा लगता है कि उनको नजरअंदाज किया गया है लगातार, तो अब वो बोल रहे हैं इस वक्त की भी अहमियत। उन्होंने एक व्यक्ति, नगमा जी उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया, और पार्टी ने उसका कॉग्निजेंस लिया है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे सहयोगी किस अवस्थिति में है, ये वैभव जी को भी पता है, ये हमारे तमाम जदयू के साथियों को भी पता है। पूरा का पूरा नैरेटिव बदल गया है बिहार में। अब ये सिर्फ आप नहीं कह सकते कि एमवाई की पार्टी है, ये पूरी सबाल्टर्न कम्युनिटी की पार्टी है, ठीक है, इसमें डोमिनेंट कास्ट जो नैरेटिव बदला है। और ये नैरेटिव, एक मिनट, सबाल्टर्न में मैं जवाब देना चाहूंगा जी, ये फिर हो सकता है मनोज जी को बुरा लग जाए। एक तरफ वो चेहरा है नरेंद्र मोदी जिसके पास अपना कुछ करने के लिए नहीं है, दूसरी तरफ चेहरा कौन है, मदर सन ड्यूओ जो दोनों जमानत पे रिहा हैं भ्रष्टाचार के केस में,
और एक तरफ उनके सहयोगी कौन है, लालू प्रसाद यादव, जो सजा याफ्ता मुजरिम अवमानना के योग कोर्ट द्वारा और माननीय पूर्व माननीय लालू प्रसाद यादव जेल से पार्टी चलेगी। मुझे जमहूरियत में जमानत पर रिहा और सजा याफ्ता लोग राज नहीं कर पाए। नगमा जी 30 सेकंड लूंगा, मैं एनडीटीवी के बहसों में कम से कम इस तरह की चीजों का कभी आदि नहीं रहा हूं, अपनी बात रखता हूं, लेकिन अगर लोग गैर शालीन हो गए, तथ्य विहीन बात करेंगे तो कष्ट होता है, इच्छा होती है कहिए कि सार्वजनिक बहस में ना जाए। क्या बात, मैं पूछना चाहता हूं एक छोटी टिप्पणी करके जी। मैं कहूं नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के प्रति कमिटमेंट के खिलाफ। बैंकों को खंगाल दिया गया है और कोई जवाब नहीं है। किस पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज जी? हम नीरव मोदी के आरजेडी के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र का हिस्सा। नीरव मोदी किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? लालू प्रसाद जेल में है, आरजेडी के अध्यक्ष साहब। वो तो वैभव आप इस पर कहना चाहेंगे? नीरव मोदी किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी के ही पीछे आप लोग क्यों पड़े, भ्रष्टाचार की मुहिम वहीं तक क्यों सिमट गई लालू तक, बाकी लोग कहां हैं? देखिए भाजपा की और भाजपा के घटक दलों की मित्रों की एक खास बात है। आपको अगर बिहार की राजनीति समझनी पड़ेगी, बिहार और यूपी दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पे हर दल का अपना एक इलाका है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन है और वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में अपने जनाधार में माहिर हैं। लेकिन बिहार और यूपी में एक दूसरे को कोई चुनौती नहीं देता, विचारधारा से काम होता है। साथ में पिछले 4 साल में जेडीयू की सरकार ने अच्छा काम किया है, सब जानते हैं कि विचारधारा से केंद्र सरकार चुनाव हो रहा है, सब जगह जातिगत चुनाव, केंद्र सरकार के साथ मिलके बिहार की राजनीति से बहुत, बिहार से बहुत इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल निकलते हैं। आज बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, डेवलपमेंट करवाई है। आज की तारीख में आरजेडी का वो जो जंगल राज था पिछला, वो नहीं रहा है। आज की तारीख में सब व्हाट्सएप जंगल राज मत बोलिए, बुरा मान जाएंगे मनोज जी। मनोज जी बोले हम पार्लियामेंट के जंगल राज मत बोलिए। आप क्या चाहते हैं? जहां तक लालू प्रसाद पर ये चार्ज है कि वो जेल में है और वो करप्ट है, ये ठीक है। आई वाज इन द फोरफ्रंट ऑफ रनिंग अ कैंपेन अगेंस्ट हिम इन पटना जब फॉर्डरेस कैंप में थे, बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि अभी जो हो रहा है वो एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट के रूप में आई कैन सी कि there is a sense of witch hunt। ठीक है, एक सेकंड शिवराज, मैं इस पर ये पूछना चाहती हूँ जो नवीन कह रही है, अगर sense of witch hunt है लोगों में तो क्या उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी? अब दो बातें हैं इसमें लालू जी के की जो चल रही है। ईटी आईडी अगर कुछ गलत, आईटी और ईडी अगर कुछ गलत कर रही है तो कोर्ट उसको दरकिनार करेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। दूसरी बात, जिसमें सजा हुआ है लालू प्रसाद यादव जी को, बहुत आसान है। नहीं नवीन जी, नहीं वेट, आपको किसी केस में जी इम्प्लीकेट करके जेल भेज दिया जाए और कहा जाए कि 5 साल रहिए कोर्ट में लेके सजा, बहुत आप अपनी बात कह दें तो भाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है, मैं जब उसका एनालिसिस करता हूं, चाहे बिहार का ही ले लीजिए जोगीहाट का, तो कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये रिजल्ट का ये रिजल्ट दिखता है। ये जो जब आप देख रहे हैं वहां से जेडीयू लड़ रही है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को पूछा नहीं जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पूछा नहीं जाता, यहाँ तक कि बीजेपी भी नहीं वहां दिख रही है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये रिजल्ट आया है। ठीक उसी प्रकार कैराना का जो रिजल्ट हम देखते हैं, तो तबस्सुम हसन जी वो समाजवादी पार्टी के लीडर थी, नॉमिनेशन के दिन वो लोक दल की बनती हैं, राष्ट्रीय लोक दल की बनती हैं, और अखिलेश उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि अखिलेश जी वहां प्रचार भी नहीं करते हैं, मायावती जी विड्रॉ करती हैं और वहां से इलेक्शन जीतती हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र का है, जहां हमें शिवसेना के कारण से एक सीट हारने पड़ी, या फिर पंजाब में देख लीजिए अकाली दल और बीजेपी का वहां कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा, इसलिए वहां इलेक्शन हारना पड़ा। जहां तक जोकी हाट कोऑर्डिनेशन की बात करें, हो सकता है कमियां रही हो, लेकिन जोकी हाट अररिया के बारे में समझ ले, मैं बहुत नजदीक से अररिया को जानता हूँ, मैं एक दौर में बहुत कैंपेन भी किया। जिस जोकी हाट की बात करें, वहां तस्लीमुद्दीन साहब इसे आपके चेयर पर नेशनल चैनल पे ये कहने पे से इतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। तस्लीमुद्दीन साहब का एक बार सुन लीजिए, आप बहुत बोल रहे, बिल्कुल आपके समर्थन में बोल रहा हूं। तस्लीमुद्दीन साहब का अलग ग्रिप वहां पे था, और वो वहां पे अगर भारतीय जनता, मैं अपने जाती तौर पे कहा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भी उनका बेटा खड़े होते तो वहां से जीत जाते, क्योंकि वहां उनकी पकड़ थी। इसको गठबंधन से नहीं लेना चाहिए, तस्लीमुद्दीन साहब का अपना पकड़ है और वजह से वो जीते हैं, किसी पार्टी की वजह से नहीं। ठीक है,
आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आप तमाम लोगों से, एक तो ये कि बिहार की सियासत आने वाले दिन में, एक एक करके मनोज झा से शुरू करूंगी क्योंकि वो ओबी पे हैं, बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप, उसकी तस्वीर किस तरह से बिहार की सियासत आगे बढ़ेगी, कौन बड़े चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और नीतीश जी ने जो अभी किया है, जेडीयू की जो रणनीति लग रही है उससे आपको क्या लग रहा है, क्या वो फिर एनडीए से बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हैं या वो ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं? देखिए, मैं आपकी दूसरी बात में दम रखता हूँ। नीतीश जी का जो पोस्चर है वो बेसिकली बार्गेनिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह कोशिश कर रहे हैं कि 4-5 दे रही थी बीजेपी, 7-10 तक पहुंचा जाए। लेकिन मैं बिहार की राजनीति को, चूंकि मैं अभी मैं लौटा हूँ पूरे कोसी के बेल्ट से, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक जो चर्नी, जो मंथन हो रही है, लोग दो चीजों से बेहद नाराज हैं। एक दो जो जुलाई के महीने में बीते साल नीतीश जी ने किया, ये पहली बार हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि डायमेट्रिकली अपोज्ड मैनिफेस्टो पर लड़ने वाली पार्टियां अपने मैंडेट को उनकी गोद में रख दिया। ये नीतीश जी के सिंपेथाइजर भी कहते हैं ही शुड नॉट हैव डन इट, उन्होंने गलत किया। उसके अलावा एक जो चीज हो रही है कि दलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा लीडर ऑफ अपोजिशन और लालू जी के मैसेज को सुन करके आ रहा है, और मैं समझता हूं कि वो एक स्वस्थ संकेत है कि हम हैंडसमली जीतने जा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत संक्षेप में आप तमाम लोगों से ये सवाल आऊंगी आपके पास भी कि बिहार की सियासत में आपको इस वक्त क्या लग रहा है, नीतीश जी का आप क्या इस पार्टी का फ्यूचर देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो बड़े मैंडेट आएंगे। अपोजिशन तो हमेशा इल्जाम लगाया, तरकीब करेगा काम उनका बड़ी ताकत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिहार में जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक बड़ा पार्ट है, बड़े भाई का रोल है, और नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार में चुनाव होगा एनडीए का, क्योंकि नीतीश कुमार के मुकाबले में कोई चेहरा नहीं है, और चाहे जो कुछ भी कह ले। वैभव जी, बहुत लोग, आपने कहा था शुरू में ही बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत लोग बहुत चीजें बोल के उसको तरह तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि ये मसला एनडीए का है और एनडीए का अंदरूनी मसला है। इसके अंदर यदि हम पढ़ने जाएंगे तो नीतीश जी नहीं, आरएलएसपी नहीं, कोई और नहीं, भाजपा नहीं, कोई भी आ सकता है। ओके, तो ये एनडीए का मसला मिलके सुलझाएंगे। नगमा जी, देखिए, जब नीतीश जी ने ये कदम आत्मघाती उठाया एनडीए में शामिल हुए, तभी शरद यादव जी हम लोगों ने ये कहा कि ये खुदकुशी कर लिया। नो डाउट कि नीतीश जी एक इंटेलिजेंट लीडर हैं, प्रशासनिक क्षमता भी है, तो आगे लेकिन क्या भविष्य देख रहे हैं? ऐसा हिमालयन ब्लंडर, मैं कह रहा हूं हिमालयन ब्लंडर किया उन्होंने, इतना गलत कि जो एक मेहनत एनडीए में आना हिमालयन ब्लंडर रहा, और उसके खामियाजा या उसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा अप्रसांगी के बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति में अप्रसांगी, इतना ही वक्त है मेरे पास सुबोध जी, और बीजेपी के रहमोकरम पर ही रहना होगा, बीजेपी के रहमोकरम पे रहना होगा। ये बात में आप अपनी बात कही नगमा जी, जिस तरीके से प्रजातंत्र का लोकतांत्रिकरण देखते हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है बिहार में, तो यादव के बाद कुर्मी जाति, कुशवाहा जाति से मिलकर वो सत्ता में आई, 15 साल के लगभग हो जाएंगे। अगला जो नीतीश जी का जो वोट बैंक था वो खिसक कर उपेंद्र जी के पास चला गया है, और अगला जो आपके हिसाब से अगला बड़ा चेहरा कुशवाहा जी का बनने वाला है बिहार, अगला लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो स्टेज है वो कुशवाहा जी के पास है, और एनडीए अगर उनका चेहरा मान के चलती है तो बाहर ही सफलता मिलेगी। एक सेकंड, अभी जो उन्होंने बात कही थी कि नीतीश जी को बीजेपी के रहमोकरम पर ही रहना होगा, वो बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे या वो एनडीए से बाहर जाएंगे या बीजेपी के सेकंड फिडल बन के वो रहेंगे? देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहना चाहेंगे कि मेरा जो असेसमेंट है कि नीतीश जी वो इस रहमोकरम में नहीं रहने के लिए उनके पास ऑप्शन ये है जो दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा चल भी रही है कि वो शायद चाहेंगे कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ हो, ताकि उनको बीजेपी पोस्ट इलेक्शन वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं डाल सके, ताकि उनको लार्जर नंबर ऑफ सीट मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक फेस की बात की जा रही है, हमको लग रहा है कि सारे लोग बीजेपी और जेडीयू के लोग भी भूल रहे हैं और सारे जर्नलिस्ट भी भूल रहे हैं एक बात कि बीजेपी 17 साल बीजेपी और जब इसका अलायंस रहा और 2 इलेक्शन साथ साथ लड़े नीतीश कुमार और बीजेपी ने, तो शायद ये लोग बात ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के कहने पर बिहार में कंपेन तक नहीं करने दिया गया था। 2014 का चुनाव का नतीजा भूल रहे हैं नवीन जी? ये नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, हालात बदल गई हैं नीतीश कुमार से, कि बीजेपी ने उस समय एक्सेप्ट किया था कि नीतीश कुमार इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ बिहार, वो दौर कुछ और था, वो हम नहीं कह रहे हैं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर नीतीश कुमार, मेरा कहना है
कि शायद ये सच्चाई को जब तक दोनों पक्ष बैठकर तय नहीं करेंगे तो बहुत बिक्री रहेगी। मैं आखिरी बात आपसे एक सेकंड इतना ही वक्त है हाँ, और मैं यही पूछ रही हूँ कि अब हालात बदल गए हैं, अब नीतीश अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं है। क्लोजिंग कमेंट दो सेंटेंस में, अभी जो चर्चा चल रही है बिहार में क्या होगा, एनडीए का चेहरा अगर नरेंद्र मोदी जी को रख के एनडीए लड़े तो एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। दूसरा, फ्री में सलाह है नीतीश जी को, इंक्लूडिंग ऑल द एनडीए लीडर्स इन इंडिया, जिस लीडर को नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी बड़े भाई के रूप में कबूल ना हो, इनका नेतृत्व कबूल ना हो, वो एनडीए छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, मेरा दावा यह है मनाने के लिए कोई नहीं आएगा। और वो बीजेपी कुछ और थी जिसकी आंख में धूल झोंक दिए, तब थोड़े बराबरी पे थे, आज नरेंद्र मोदी जी में और दूसरे लीडर्स में इतना फासला है कि उनके आंख तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, धूल तुम झोंक नहीं पाओगे। ठीक है, बस यही पे इस चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। हम और डूबेंगे संगम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको आगे करना। जी जी, एक सेकंड, बस इतना ही समय है। ऑपोजिशन पे एक छोटा सा कमेंट करूंगा, दैट द डेविल कैन साइट द स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, सेट बाय विलियम शेक्सपियर। और मनोज जी और शिवराज जी दोनों समझेंगे कि मेरा इशारा किधर है। ठीक है, और जैसा शिवराज ने कहा कि अगर बड़े भाई नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर अगर नहीं चुनाव लड़ा गया तो फिर कोई मनाने भी नहीं आएगा नीतीश कुमार को, आपके मुताबिक सनम तुमको भी ले डूबेंगे, मोदी भी नीतीश कुमार एक दूसरे को लेके डूबने वाले हैं, आंख में धूल झोंकने की स्थिति नहीं है, आपके मुताबिक मानना पड़ेगा। आंख बहुत ऊपर है, हाथ बहुत नीचे, हाथ बहुत नीचे हो, और अगर जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं मानेंगे तब तक नीतीश कुमार का आपके मुताबिक कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार का आपके मुताबिक लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर, चुनाव उन्हीं के नाम पर हो रहा है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अलग होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा शायद इस पोजीशन में है कि वो किसी के साथ भी फायदे का सौदा करने की स्थिति में है। इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास हम लोग में इस बहस का, बहुत बहुत शुक्रिया, मजबूरी है इस बहस को यही रोकना पड़ेगा। थैंक यू।